सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अंबिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल उत्तराखंड सौंदर्य में। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है सुबह के 8 बजे से और मैं बना रही हूँ आज परांठे। और मैंने ये आज आलू उबालने रखे हैं, देखो कुकर पे आलू उबालने रखे हैं। अब मैं आटा गूंदूंगी, उसके बाद आटा गूंद के परांठे बनाएंगे। ये सभी लोग अभी सो रखे हैं, आरुष कैसा सो रखा है इसको देखना, आरुष के पापा है। अब मैं आटा गूंदती हूँ, उसके बाद परांठे बनाए जाएंगे। ये मेरा आलू उबल चुके हैं, अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और आटा निकालती हूँ। कब से हमने परांठे नहीं खाए हैं। आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। आज मैं मिलाऊंगी आपको नए मेहमान से। हमारे घर में नया मेहमान आया है, आपको मैं ज़रूर बताऊंगी और मेरी पूरी वीडियो देखना। मैं आटा गूंद रही हूँ, कहीं गीला ना हो जाए। गुड मॉर्निंग आशु। और तुम्हारी मम्मी उठ गया? तो उठ गया, देखिए परांठा बन गया यार, उस खाएगा? हाँ। परांठा बन गया ना। अब मैं धूप पे जा रही हूँ छत में और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको नया मेहमान दिखाऊंगी। ये रहा नया मेहमान, ये देखो। ये देखो कि हमारे घर में आया है नन्ना सा प्यारा सा मेहमान। ये 1 महीने का हो गया है, इसकी वजह से मुझे दूसरी बार माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं दूसरी बार माँ बन गई हूँ और मैंने बेटे को जन्म दिया है। ये 20 अक्टूबर को हुआ था और 20 नवंबर को 1 महीने का हो गया। अब मैं छत पे जा रही हूँ धूप सेकने और इसको भी धूप दिखाऊंगी। आजकल ठंडा भी हो गया, नवंबर का महीना चल रहा है। अब मैं छत में जा रही हूँ बाबू को लेके, इसको धूप दिखा देती हूँ। ठंड लग रही है आजकल, धूप दिखाना सही रहता है। गांव में होती तो धूप ही धूप थी, यहाँ तो छत पे जाना पड़ता है। चलो ठीक है, छत पे मिलते हैं। हम छत पे आ गए हैं, अच्छी धूप लगी है, बहुत अच्छी धूप लगी है। अभी हम छत से आए हैं धूप से के, अच्छी धूप थी आज और बहुत गर्म हो रखे हैं। अब हम खाना खा रहे हैं। ये रहा आरुष, आरुष तो खाना खा रहा। हाँ। कैसा हो रहा है खाना? अच्छा, अच्छा हो रहा है, पीला हो रहा। अच्छा तो देख किस चीज़ को समझ में आ रही है। क्या बनाया है आरुष आज? आरुष क्या बनाया है? क्या बनाया? क्या बनाया बेटा? भात, भात बनाया और साग, साग भी है। ओ चलो खाओ खाओ, जल्दी जल्दी खाओ और मैं भी खाती हूँ। अभी मैं बाबू को सुला रही हूँ, अभी सो जाएगा तब मैं खाऊंगी। अभी शाम के 5 बज गए हैं और मैं अभी चाय पी रही हूँ और मेरा बेटा आरुष ट्यूशन गया है, अभी तक आया नहीं है। वो दिन के 3 बजे चला गया था, अभी तक नहीं आया। जब मैम का फ़ोन आएगा तब मैं उसको लेने जाऊंगी, क्योंकि वो काम नहीं करता जल्दी से। और जब काम करेगा मैम खुद ही मुझे फ़ोन करेगी और लेने चली जाऊंगी।
आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करें और नई वीडियो के साथ मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए बाय।